हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्रीम ग्रैबर्स और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से किसी भी डिलीट हुए वीडियो को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हम जाने अनजाने में कई बार अपनी कोई भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई भी एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं जो हमें फ्यूचर में चाहिए होती है। तो जो मैं ऐप मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, उस ऐप के ज़रिए आप बड़ी आसानी से उन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए उस ऐप के बारे में आपको बताता हूँ। उस ऐप का नाम है डम्पस्टर। ये आप देख सकते हैं उसका आइकन में जो डस्टबिन जैसा आइकन बना हुआ है, उसके स्पेलिंग देख सकते हैं आप, DUMPSTER। तो जी दोस्तों, ये काम कैसे करता है जी? हमारे जैसे कि आप जानते हैं कि हम लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में जैसे कोई भी वीडियो या फ़ोटो, कोई भी म्यूज़िक डिलीट करते हैं, तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो वहाँ से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं परमानेंटली, या से रिस्टोर भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। तो वैसे ही ये ऐप हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में भी एक तरह का रिसाइकल बिन का काम करता है और इस ऐप के ज़रिए हम अपने कोई भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेटिंग में जाकर इनेबल कर सकते हैं हमारी जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि हम क्या क्या डिलीट करना रिकवर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सभी को ऑन किया हुआ है, ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, वीडियो और इमेज सभी को। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक अपनी इमेज डिलीट करके बताऊँगा। जैसे कि आप यही इमेज देख लीजिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी और अब मैं ऐप ही ओपन करूँगा। ये देखिए, मैंने जो इमेज डिलीट की थी वो यहाँ पर डम्पस्टर में आ गई है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे देखिए आपको दिया हुआ है कि रिस्टोर करना है या हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो मतलब इस ऐप के ज़रिए हम इसे आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर जी मैंने क्लिक किया और हम अब मैं अपनी गैलरी पर जाकर देखता हूँ दोबारा फिर से। ये मैं गैलरी पर गया और ये देखिए जी, मेरी पिक फिर से यहाँ पर आ चुकी है। तो इस ऐप के ज़रिए हम अपने वीडियोस, फ़ोटोज़ या पर्सनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ को रिकवर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।